दोस्तों आज की कुछ अहम खास खबरों की शुरुआत करते हैं मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से। कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से कास्ट और जात का सर्वे जारी किया गया है। बेशुमार अफराद इसके लिए तैनात किए गए हैं। इसमें जो लोग भी अपने जमरे में आते हों बिला खौफ व गतर अपनी कास्ट का, अपने बरादरी का, अपनी जात का इंदराज कराएं। अगर कोई एसटी है तो एसटी, कोई बीसी है तो बीसी, ओबीसी वाले अपना ख़ास तौर पर इंदराज कराएं। वहीं साफ बरादरी के अफराद वीजेएनटी में अपना शुमार करवाएं। जो अफराद जुलाहा मोमिन है वो मोमिन जुलाहा में अपनी जात बरादरी दर्ज करवाएं। ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं वो ओपन कैटेगरी, और दीगर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं तो ये लोग बराबर अपनी कास्टों का इंदराज कराएं। हुकूमत की जानिब से तमाम जात बरादरियों की जानिब से रिजर्वेशन का मुतालबा किया जा रहा था। इलेक्शन, रियासती इलेक्शन होने से कबल हुकूमत चाहती है कि तमाम सर्वे मुकम्मल हो जाए और आबादी के लिहाज से लोगों को रिजर्वेशन और सहूलियात दिए जा सके। बहरहाल लोगों को अपने समाज से मुतालिक बेदार रहते हुए इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कॉरपोरेशन कमिश्नर रविंद्र यादव ने गुजारिश की है कि ये कोई एनआरसी का सर्वे नहीं है, लोग अफवाह का शिकार न हो और बिला खौफ व खतर कॉरपोरेशन इंतजामिया के साथ में सवाल जवाब में मावनत करें ताकि अच्छी तफसील यहाँ से रवाना हो सके। कॉरपोरेशन में दोस्तों 32 दर्जन से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे जिन पर हर माह 12 लाख रुपया तनख्वाह दी जाती थी। इन लोगों को ये तकरीबन साल का 2.25 करोड़ रुपया सिक्योरिटी गार्ड्स पर खर्च होता था। कॉरपोरेशन नहायत कल्लास हो चुकी है गोसावी साहब के सफा चढ़ करने के बाद। रविंद्र यादव साहब ने अखराज कम करने के लिए सबसे पहला अमल ये किया कि सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत वापस कर दी, जिससे सालाना 2.25 करोड़ का कॉरपोरेशन पर बोझ कम हुआ। दोस्तों कॉरपोरेशन इंतजामिया में कमिश्नर नए नए हैं। इंतजामिया कहीं ना कहीं से तसाइली, सुस्ती, लापरवाही, बेतवज्जही का मुजाहरा करता है। शहर में साफ सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात को लेकर हमेशा तनकीद का सामना रहता है। ऐसे में नुमाइंदों की मियाद मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। कॉरपोरेशन को बहरहाल मुस्तैद रहना चाहिए। लीडरान को, सियासी नुमाइंदों को इस जानिब बाजपुरश करते हुए प्रशासन से, प्रशासक से काम करवा लेने की जरूरत। दोस्तों पुलिस डीसीआर डेली क्राइम रिपोर्ट में आज कई जगह गुटखा जब्ती की कार्रवाई बताई गई। वहीं 2 गाड़ियां चोरी होने की भी शिकायत मौसूल हुई। आज बड़ी खबर ये रही कि पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के एसबी पाटिल साहब को छोड़कर मालेगांव के तकरीबन 5 पुलिस स्टेशनों के पीआई, पुलिस इंचार्ज के तबादले हो चुके हैं। मुजरमाना सरगर्मियां बढ़ने की पादाश में माना जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र हुआ होगा, जो नए ऑफिसरान आए होंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये इस माहौल को कहीं ना कहीं से सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों इसराइल इशू मामले पर सिटी पुलिस स्टेशन की जानिब से 307 और 325 आर्म एक्ट के तहत 6 अपराध पर गुने का इंदराज किया गया था। कल रात इस मामले में शेख इरफान गुड्डिया सर, शेख हारून, शेख अजीज, शेख शकील, शेख यूसुफ, इरफान खान, गुलाब खान नामी 4 अपराध को सिटी पुलिस स्टेशन महकमे की जानिब से जेर हिरासत किया गया। आज उन्हें मालेगाँव की मुअज्जज कोर्ट के मुअज्जज जज निमसे साहब की 4th ACGN कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें 3 दिनों की पुलिस तहवील दे दी गई। इस मामले में 6 अपराध पर गुने का इंदराज किया गया था। 4 अपराध पुलिस की गिरफ्त में है जबकि 2 अपराध हनुज पुलिस हिरासत से बाहर है। मनमाड़ इंदौर रेलवे का काम बहुत सुस्त, रवि सही सही मगर जारी है। आने वाले 2-5 सालों में इसका इकमाल हो सकता है, ये मुकम्मल हो सकती है। गुज़िश्ता दिनों मनमाड़ से जो ट्रैक, रेलवे के ट्रैक के लिए नीचे कंक्रीट करण जो होता है, इस काम में शफाकियत लाने के लिए मनमाड़ के रुकन असम्बली सुहास कांदे ने जाय मुकाम का दौरा किया और रेलवे पटरियों के नीचे बिछाए जाने वाले कंक्रीट के स्लेब का जायज़ा लिया और यहाँ फंड की कमी को देखते हुए अपना 2 करोड़ रुपया फंड भी देने का ऐलान किया ताकि इसमें मजबूती हो सके। रेलवे लाइन मनमाड़ मालेगांव ये कब होगी, ये मालेगांव का एक सपना है, मगर आने वाली नस्ल मालेगांव में रेलवे ज़रूर देखेगी।
दोस्तों, खुदकशी मामलात को लेकर शहर में सरासीमगी का माहौल है। उलमाए कराम की जानिब से, लिखने वालों की जानिब से, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक व्हाट्सएप पोस्टों के जरिए इस बाबत बेदारी की जा रही है। वहीं मालेगांव शहर के सोशल वर्करों ने, सफ़ी एंटी करप्शन वगैरह ने एक मुश्तरका ग्रुप बनाकर लोगों को खुदकशी से रोकने के लिए एक कारामद लाया अमल तैयार किया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह में कई खुदकशी के बावजूद मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दो दिनों में 3 खुदकशी के वाकयात सामने आए थे, जिसको लेकर सोशल वर्कर्स मुतारिक हैं। ये लोग हादसात के मौके पर काम करते हैं। जब खुदकशी के मामलात होते हैं तो लाश यही लोग देखते हैं, इनका दिल पर क्या बीतती होगी। इन लोगों ने गुजारिश की है कि पोस्टमार्टम रूम में बरहना किया जाता है, इस तरह की अजियतें दी जाती है। अगर लोगों को ज़िंदगी में कोई तकलीफ है तो सोशल वर्करों से रब्ता कायम करें, अपने दुख तकलीफ लोगों को शेयर करें, मगर खुदकशी के इकदाम से बचें, क्योंकि शरई एतबार से भी हराम है और दुनिया में भी अजीमत का बाइस होती है। अफराद खाना के लिए जहां बदनामी होती है, वहीं तकलीफ का बाइस भी बनती है। मालेगांव शहरियान को सोशल वर्कर्स का साथ देकर इस मामले को रोकने की ज़रूरत है। वहीं उलमा इकराम और लिखने वाले और सरकर्दा सियासी लीडरान को भी इस बाबत सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड प्राइवेट बिजली कंपनी की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जिन पर बिल बाकी है उनके भी कनेक्शन कट किए जा रहे हैं, वहीं बिजली चोरी करने वाले कनेक्शन भी कट कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक वाकया गुज़िश्ता दिनों मालदा में पेश आया। मोहम्मद यूनुस मोहम्मद इसराइल के कारखाने में MPCL के अफराद ने बिना मंजूरी के बिजली इस्तेमाल करने की पादास में इन लोगों से बासपूस की, जब तब कुछ हाथापाई हुई। इस मामले में MPCL की जानिब से पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। तब मोहम्मद यूनुस मोहम्मद इसराइल और उनके बेटे पर 34504 427 323 के तहत मुकदमे का इंदराज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुलजिमीन को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील दे दी गई। नासिक में उद्धव ठाकरे का जलसा, BJP राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है। वहीं उद्धव ठाकरे सेना ने नासिक रामनगरी से अपने पार्लियामेंट इलेक्शन के प्रचार का आगाज किया। सभा बड़ी कामयाब रही। उद्धव ठाकरे के मानने वाले, बाल ठाकरे के मानने वालों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद रही। यहां से MP इलेक्शन लड़ने की तैयारी और पार्टी संगठन को दोबारा मजबूत करते हुए गद्दारों के जाने के बावजूद पार्टी मजबूत रहे, इस पर लाए अमल तैयार किया गया। मुकर्रीन ने अपने राय रखी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मोदी पर तनकीद करते हुए उद्धव ने कहा कि राम मंदिर पर बहुत सियासत हो चुकी, अब बेरोजगारी और महंगाई की तरफ भी देखने की जरूरत। दोस्तों, मरकजी दिल्ली इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल GR जारी किया गया था कि आने वाले माह की 16 अप्रैल को 16/4/2024 को पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि मार्च के पहले हफ्ते से जाब्ता अखलाक आचार संहिता लग जाए। ज़िलाई इंतजामिया इलेक्शनी कामकाज को लेकर तैयारियों में मसरूफ़ है। वहीं सियासी पार्टियां भी अपने अपने तौर पर नबर आजमा हो चुकी हैं। मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट लोकसभा हल्के से कांग्रेस की जानिब से अब्दुल रहमान आए, अफिसर साहब का नाम है। वहीं कांग्रेस से कुणाल पाटिल साहब, BJP और दीगर पार्टियों से दिगावकर साहब और दादा भूसे के फर्जंद आविष्कार भूसे का भी नाम सामने आ रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का अफ्तिता हुआ। फिल्मी शख्सियत, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वहीं हर तबके के लोगों वहां पहुंचे। हिंदुस्तान भर में बरादरान वतन में उत्साह का माहौल था। जगह जगह दीप जलाए गए, भगवा परचम लगाए गए। वहीं मालेगांव शहर के संगमेश्वर सटाना नाका कैंप इलाकों में भी बड़ी सजावट की गई। मुल्क भर में कहीं कोई नाखुशगवार वाक़ पेश नहीं आ सका। मुल्क भर की इंतजामिया इस बात को लेकर काफ़ी मुस्तैद थी। हालाँकि वासी मीरा रोड और अमरावती में छोटी मोटी वारदात के बाद पुलिस ने मौके को फौरन कवर किया। वहीं हर तबके ने बड़े सब्रों का मुजाहरा किया। खासकर मालेगांव में लोगों ने इस दिन रोज़ा रखा और अपने ही घरों के अतराफ में रहे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी लोगों ने कम किया। बखैर वाफियत 22 जनवरी जिसका किसी तरीके का खदशा था, बहुत पुरसकून माहौल में गुजरा। मालेगांव पुलिस इंतजामिया भी यहाँ काफ़ी चौबंद थी और अमन अमान के साथ 22 जनवरी राम मंदिर का अफ्तिताह हुआ। मराठा आरक्षण के लिए जरांगे मुंबई से बस कुछ ही कदम दूर यानी
पूना से वो निकल चुके हैं, इनके साथ हर समाज के लोग जुट रहे हैं, मुस्लिम अफराद ने भी उनका इस्तकबाल किया। बेशतर मकामात पर पूना से निकलने के बाद जरांगे 26 तारीख को कब 26 जनवरी को किस वक्त तो मुंबई पहुंचते हैं, ये उनके सफ़र पर मुनसिर होगा। मगर महाराष्ट्र के दीगर शहरों से मराठा समाज बड़ी तादाद में मुंबई पहुँच रहा है। सोशल मीडिया पर, मराठी सोशल मीडिया पर अक्सर इसकी तस्वीरें देखने में आती है। कई कई गाड़ियों में ट्रैक्टर्स पर बाजरे की रोटियां, चटनी वगैरह रखी हुई है, पानी के इंतजामात हैं, दीगर मेडिकल की अशिया रखी हुई है और लोग झुंड दर जोग दर जोग बम्बई पहुंच रहे हैं। जरांगे पाटिल के पहुंचने के बाद मुंबई में क्या आलम होगा, इस बात को लेकर रियासती हुकूमत काफ़ी तशवीश में है। आखिरी दो रोज़ में भी जरांगे पाटिल और मराठा समाज को मनवाने की हुकूमत की कोशिश नाराज रही। देखते हैं 26 जनवरी को मुंबई में मराठा रिजर्वेशन डिमांड के लिए क्या होता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 10वां दिन था। आसाम गुवाहाटी में इनका अभी चलना फिरना है। पूरे लोगों को आसाम में हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, पुलिस इंतजामिया ने ब्रेकेट लगाए, मगर राहुल के काफिले ने, न्याय यात्रा ने ब्रेकेट को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस पादास में राहुल और बेशतर अफराद पर आसाम हुकूमत की जानिब से मुकदमे का भी इंदराज किया गया है। इस मुकदमेबाजी को लेकर मुल्क भर समेत कर्नाटक में आसाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। राहुल ने कहा कि हमने ब्रेकेट तोड़ा है, कानून नहीं, आसाम हुकूमत तो कानून तोड़ रही है। अमन और न्याय की यात्रा को परमिशन ना देकर ये कांग्रेस के साथ में ज्यादती कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर भी काफ़ी मुतहरिक है। खड़गे साहब ने अपना आज से दौरा शुरू कर दिया है। 15 फरवरी तक वो दीगर रियासतों के दौरे पर रहेंगे और 16 से जायद बड़े इजलास से खिताब करेंगे। इससे पहले मायावती ने इंडिया लाइन से अलाइदगी का ऐलान कर दिया था। उसके बाद आज ममता बनर्जी ने भी अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अब जबकि राहुल गांधी की यात्रा मगरबी बंगाल में शामिल होने वाली है और खड़गे का नाम सबसे पहले ममता ने ही पेश किया था, लेकिन मायावती के बाद ममता ने भी अकेले इलेक्शन, अलाइदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिससे NDA कहीं ना कहीं से ये अलाइंस कमजोरी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत के बाद भी वहाँ दो नज़रिया सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में भी शरद पवार के बेशतर अफराद BJP में चले जाने से और दीगर इलाकाई पार्टियों में भी कहीं ना कहीं से BJP को लेकर झोल दिख रहा है। ऐसे में खड़गे साहब की क़यादत में ये अलायंस कहाँ तक कामयाबी हासिल करेगा, ये आने वाले मंजर सियासी मंजरनामे में समझ में आ सके। दोस्तों, आलमी लेवल पर जंग का ये माहौल रहा कि रूस की जानिब से आज भी यूक्रेन पर कई रॉकेट और मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें मिनी रॉकेट और मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें 7 से ज़्यादा अफराद के मारे जाने की खबर है। वहीं यमन के हुती कबीले से जो रेड सी पर बहरी जहाज़ों पर हमला होता था, इसके लिए अमरीका यमन में हुती कबीले से जंग कर रहा था। कल गुज़िश्ता 2 रोज़ से ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो चुका है, क्योंकि यमन के हुती कबीलों ने ब्रिटेन के बहरी जहाज़ों पर भी हमला किया था। यमन के हुती कबीले ने अब तक तकरीबन 31 से जायद बहरी जहाज़ों पर हमला किया, उन्हें उसकी अशिया लूट ली, उन्हें बर्बाद किया और कई बहरी जहाज़ों को यरगमाल भी बना लिया। अमेरिका और ब्रिटेन यमन के सना नामी इलाके में हुती कबीले पर बार बार हमले कर रहे हैं। हुती कबीला भी मुफाहमत के तौर पर दिफाई इकदाम करता दिखाई दे रहा। इसराइल के 40 फौजी आज मारे गए। हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में आज 40 अफराद फौजियों के मारे जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गम का एक पैगाम सोशल मीडिया पर जाहिर किया। वहीं इसराइल में यह नेतन्याहू के खिलाफ महासख्त होता जा रहा है। करोड़ों डॉलर रोजाना फौजी मामलात पर खर्च हो रहे हैं, हुकूमत खल्लास हो रही है मईसत कमज़ोर होती देखकर और शहीदों की तादाद, मरने वालों की तादाद देखकर इसराइल कहीं ना कहीं से नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी है। वहीं जंग में यरगमाल किए गए लोगों को नेतन्याहू छुड़ा नहीं पा रहे हैं हमास की जानिब से, इसलिए इस नाकामी पर भी नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में माहौल तैयार हो रहा है।
फलस्तीन में इन दिनों दोस्तों बुनियादी सहूलियात को लेकर काफ़ी फुकदान है। स्कूलें तो तकरीबन बंद हो चुकी हैं, मेडिकल लाइन से भी तिब्बी सहूलियात को लेकर भी काफ़ी परेशानी का मामला है। वहीं खाने पीने की और पानी जैसी दीगर अशिया को लेकर भी फलस्तीनी बेसरोसामा हो गए हैं। बेशतर जगहों से इमदाद के बावजूद फलस्तीन में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। दोस्तों चीन में कल शाम के दरमियान में कई रेक्टर स्केल का जलजला आने से 50 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। चीन के जिन इलाकों में जलजला आया है उन इलाकों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क में सर्दी अपने उरूज पर है। दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार में 5-7 डिग्री सेल्सियस पाया गया। मुंबई में इन दिनों 20 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका में शदीद सर्दी के 22 और बर्फ के जमूद के 22 सौ से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी है। जनूबी कोरिया में 300 से ज़ायद फ्लाइट कोहरे की वजह से रद्द कर दी गई है। यूपी के बेशतर इलाकों में कोहरे का आलम है और दिन में भी शाम और रात का समा नज़र आ रहा है। वहीं मालेगांव शहर में भी रात 11 के बाद शदीद सर्दी पाई जा रही है। दवाखानों में अक्सर सर्दियों के अमराज में पाए जाने वाले मरीजों की तादाद देखी जा रही है। शोएब मलिक जो सानिया मिर्ज़ा के शौहर थे, गुज़िश्ता दिनों इनमें तलाक हो गया। सानिया मिर्ज़ा 2 बच्चों के साथ खुश हैं और सानिया ने किसी भी तरीके का एतराज़ नहीं किया। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। सुना जाता है कि शोएब मलिक की सानिया मिर्ज़ा से पहले भी एक पाकिस्तानी बीवी थी। बिल्किस बानो मर्डर केस में गोधरा कांड में जिन 11 मुलजिमीन को सज़ा दे दी गई थी, गुजरात की हाईकोर्ट ने उन्हें किसी टेक्निकल कामों के 22 इन 11 मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई अकलियती तबके की जानिब से। तब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की सर्जिंस की और मुलजिमीन को दोबारा गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर किस तरह इन लोगों को रिहा किया गया इसका अहवाल तलब किया था। 20 दिनों से ये 11 मुलजिमीन फरार थे, लेकिन कल गोधरा जेल पर तमाम 11 ने पहुँच कर खुद सुपुर्दगी कर दी और अपने आप को जेर हिरासत करवा लिया। इन लोगों ने मजीद सहूलत मांगने की कोशिश की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। बिल्किस बानो के 11 मुलजिमीन को दोबारा जेल पहुँच जाने से अकलियती तबके में इत्मीनान का माहौल महसूस किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों कल कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में ईडी ने शरद पवार के जानेसीन रोहित पवार को से पूछताछ जारी कर दी है। वहीं हवाला मामले में अबू आसिम आजमी भी सरकारी इंतजामिया से प्रशासन से नबर्द आजमा है। समाजवादी पार्टी का उत्तर महाराष्ट्र का इजलास हुआ, जिसमें पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर तैयारियों को तेज करने की बात की गई। कांग्रेस के नाना पटोले भी एमपी इलेक्शन को लेकर काफ़ी मुतहरिक हैं। माना जा रहा है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट इलेक्शन से ज़ायद सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस की आ सकती हैं। नाना पटोले की मेहनत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। प्रकाश अम्बेडकर वंचित अघाड़ी को लेकर भी मुतहरिक हैं। आप जनाब अकोला से उम्मीदवारी करेंगे, वहीं रियासत भर में वंचित अघाड़ी को दोबारा ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी खुद ब खुद प्रमोट होती है। गुज़िश्ता इलेक्शन में लोगों ने ये देखा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रियासत में एक पार्लियामेंट की सीट थी, एक से ज़ायद सीट किस तरह आ सके। इम्तियाज जलील अवैसी साहब इस बाबत कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही किसी बड़े जलसे का ऐलान हो सकता है। एनसीपी, भाजपा और सिंधे सेना उद्धव ठाकरे सेना से नबर्द आजमा है। वहीं किसानों की जानिब से रियासत मुल्क भर में 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। मोदी हुकूमत का दर्द सर बढ़ सकता है। इलेक्शन से पहले किसान सभा ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा, इसके लिए बेदारी पैदा की जाएगी। वहीं 26 मार्च को हर रियासत में किसानों की जानिब से ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा।